मैं डॉक्टर जेपी वर्मा स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर में जगतेश्वरानंद धाम में स्वागत करता हूं। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए वे आध्यात्मिक रहस्य को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत मानसोपचार साधना में आप सभी का स्वागत है। लास्ट हमने जाना कि तनाव क्या है, तनाव के कारण क्या हैं और तनाव के लक्षण क्या हैं, इस तनाव को नियंत्रण कैसे करें। तो विषय को आगे बढ़ाते हैं, तनाव को नियंत्रण कैसे करें। तनाव का नियंत्रण, भौतिक प्रभाव तनाव का नियंत्रण उसकी पहचान करने से आरंभ होता है, पर यह आसान नहीं होता। तनाव के वास्तविक स्रोतों की पहचान करने के लिए अपने नज़रिए, आदत और आप बचने के लिए जो बहाने बनाते हैं उन पर आपको निकटता से ध्यान रखना होगा। जब तक आप अपने तनाव के निर्माण या उसे बनाए रखने में अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं कर लेते, आपका तनाव आपके नियंत्रण में नहीं आ सकता। कोई भी चीज़ जब तक हम जान नहीं लेते कि ये है, तब तक हम उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। ऐसे ही तनाव है, जब तक हम तनाव को जान नहीं लेते, तनाव के कारणों को नहीं पहचान लेते, तब तक हम इसको दूर करने के लिए भी प्रयास नहीं करते। तो जरूरी है कि हम तनाव को पहचानें। तो तनाव के लिए एक डायरी बनाएं, एक तनाव डायरी। तनाव डायरी आपको जीवन के नियमित तनाव कारकों को पहचानने और उनसे निपटने में मदद करेगी। जब कभी तनाव महसूस करें आप उसके विवरण को लिख लें। दैनिक रूप से विवरण लिखने से आपको तनाव के पैटर्न और सामान्य विषयों का अंदाजा मिल जाएगा। विवरण कुछ इस प्रकार लिखें कि आपके तनाव का कारण यदि आपको ठीक ठीक पता ना चले तो अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आज मुझे तनाव क्यों हुआ, आज के तनाव का क्या कारण है। आप रिलैक्स होकर विचार करें और उसको लिखें। दूसरा, आप शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। जिस समय आपको तनाव होता है उस समय क्या महसूस होता है, कैसा फील करते हैं। तीसरा, प्रतिक्रिया स्वरूप आप कैसे कार्य करते हैं। जब आपको तनाव होता है तो उसके प्रति आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, क्या उस समय पर करते हैं। और चौथा, क्या करने से आप बेहतर महसूस करते हैं। जब आप उस समय तनावग्रस्त होते हैं तो कौन सी ऐसी क्रिया है, कौन सा ऐसा कार्य है जिनको करने से आप बेहतर महसूस करते हैं या कुछ तनाव कम हो जाता है। आपने हाल में जिस तरीके से भी तनाव से निपटा है उन पर विचार करें। आपकी तनाव डायरी से आप उन बातों को पहचान सकते हैं कि आप सही तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप तनाव से निपटने के लिए अस्वस्थकर मददगार या आलोचनात्मक विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश कई लोग अपने तनाव से निपटने के लिए ऐसी विधियां अपना लेते हैं जिससे उनकी समस्या और बढ़ जाती है। तो तनाव से निपटने के अस्वस्थकारी तरीके जैसे धूम्रपान, अत्यधिक पानी पीना, अत्यधिक कॉफ़ी
पीना या चाय पीना, खाना कम हो जाना या खाना ज़्यादा खाना, घंटों टीवी या कंप्यूटर के सामने बैठना, दोस्तों परिवार वालों तथा क्रियाकलापों से बचना, राहत पाने के लिए गोलियां या ड्रग्स का इस्तेमाल करना, अत्यधिक नींद लेना, टाल मटोल की आदत, समस्या से बचने के लिए हमेशा अपने आप को किसी अन्य चीज़ में उलझाए रखना, अपने तनाव को दूसरे के सिर मढ़ना, घोर निंदा करना, काफ़ी गुस्सा दिखाना, हिंसात्मक दिखाना या शारीरिक हिंसा करना, तनाव से निपटने के कई ऐसे तरीके सही नहीं हैं, पर उन सभी के लिए बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। या तो हम उन परिस्थितियों को बदल दें या उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया में परिवर्तन ले आएं। इन बातों में गंभीरता से सोचें और दूसरे व्यक्तियों से इसके बारे में बात करें, साथ ही उन्हें दूर करने का को कम करने के उपायों को अपनाएं। या तनावग्रस्त व्यक्ति को उस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करें जो तनाव का मूल कारण है। तनावग्रस्त व्यक्ति को प्रभावित करके करने वाले कारक और तनाव की संवेदनशीलता पैदा करने वाले कारकों की पहचान करें। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जिस समस्या से निपट रहे हैं वह तनाव नियंत्रित विधि के विकास के लिए आवश्यक है। तो डायरी लिखना और अपने आप को पहचानना एक बात है, उस डायरी में आप अपनी पहचान लिखते हैं। सुबह से शाम तक आपने कितनी बार गुस्सा किया, कितनी बार आपको क्रोध आया, कितनी बार आप उदास हुए, कितनी बार आप विचलित हुए, कितनी बार आप असहज हुए, और ये जो कुछ घटनाएं घटी उन सब घटनाओं के क्या क्या कारण थे, और फिर कैसे इन घटनाओं से आप सहज हुए। इन सब बातों को जब आप रोजाना डायरी में लिखेंगे तो आप अपने आप को पहचानने लगेंगे, स्वयं के अंदर घटित होने वाली क्रियाओं को पहचानने लगेंगे कि आप कैसे अपने उदासी को, क्रोध को कंट्रोल करते हैं या उस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। अगर वो प्रतिक्रिया सही है तो आपका तनाव वास्तव में कम होता है, तो उस प्रतिक्रिया को बार बार रिपीट करना चाहिए। यदि वो प्रतिक्रिया हिंसात्मक है, नकारात्मक है, तो उस क्रिया से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक ऐसी डायरी बनाएं जो स्वयं का आईना हो, और जब स्वयं का आईना आपके सामने होगा तब स्वयं को पहचानने में सक्षम हो पाएंगे। डायरी लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिन में हजारों बार ऐसी घटनाएं घटेंगी और डायरी पास में होगी और आपने उस घटना को तुरंत नोट कर लिया तो याद रहेगा, और नहीं तो फिर वो याद भी नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर तनाव महसूस करते हैं या जो भी तनाव महसूस करता है उसके लिए डायरी लिखने के लिए कहें, इससे काफ़ी मदद मिलती है तनाव को दूर करने में। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ उपाय। मानसिक तनाव से उत्पन्न रोगों से बचाव। मानसिक तनाव से मानसिक रोग होते हैं, मानसिक रोग बहुत हटीले और दुसाध्य होते हैं, परंतु मानसिक रोग असाध्य नहीं होते। यदि आत्मबल कम हो, जीवनी शक्ति खत्म हो गई हो, प्रतिरोध क्षमता खत्म हो गई हो, उस समय भी वैकल्पिक चिकित्साओं के द्वारा कुछ मानसोपचार की विधियों को अपना के, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा को अपना के, कुछ ध्यान, योग, मेडिटेशन आदि की क्रियाओं को अपना कर कुछ असाध्य बीमारी से भी मुक्ति मिल सकती है। तो मानसिक रोगों को
निपटाने में मानसोपचार से अधिक सहायता मिलती है। मानसिक रोगों को रोकने में कुछ नियम का पालन करने से सहायता मिल सकती है। उन नियमों को हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर एक, मन की शांति और अशांति के कारण की ओर से मन को हटा लेने का प्रयत्न करना चाहिए और उसके बारे में सोचना विचार करना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। हम तनावग्रस्त जब होते हैं जब हम अपने सुख या दुखों को देखते हैं या शांति और अशांति को देखते हैं। अगर हम दोनों से ही अपने मन को हटा लें और दोनों में ही सम रहने लगें तो तनाव खत्म हो जाएगा। हमेशा दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हम किसी से अपने अधिकार का सम्मान तभी कर सकते हैं जब हम उसके अधिकारों का सम्मान स्वयं करेंगे। हम अधिकतर दूसरे से अपने लिए बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन खुद दूसरे को देना नहीं चाहते। दूसरे से अगर आपको कुछ चाहिए या दूसरे के व्यवहार को आप बदलना चाहते हैं तो पहले स्वयं के व्यवहार को बदलना पड़ेगा। जब आपका स्वयं का व्यवहार उसके अनुकूल होगा तो उसका व्यवहार भी आपके अनुकूल हो जाएगा। हम नेकी का और दरिया में डाल की कहावत को चरितार्थ करते हुए दूसरों का उपकार करते रहना चाहिए। यदि इन उपकार का बदला ना मिले तो हमें दुखी भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर हम अगर किसी का भला करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि शायद कल को मेरी ये हेल्प करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपकी ज़रूरत पर आपकी हेल्प करे। तो इसलिए उस समय पर अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो ये सोच के ना करें कि वो आपकी हेल्प करेगा। अगर आपने पहले से मन बना लिया है कि वो आपकी मदद करे तो वही दुख का कारण बन जाएगा, तनाव का कारण बन जाएगा। इसलिए नेकी का और दरिया में डाल, अर्थात अगर भला करना है तो भला करो भूल जाओ। बात बात पर उत्तेजित होना, उग्रता दिखाना, बहस करना, किसी को डराना और धमकाना, अपनी बात को सर्वोपरि रखना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की आशा करना आदि अनेक मानसिक कमजोरियाँ होती हैं जो मनुष्य को अंदर अंदर खा जाती हैं। जब आप डायरी लिखेंगे तो इन बातों को आप जान पाएंगे कि आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्यों आपको तनाव होता है, क्यों आपको क्रोध आता है, क्यों आप बार बार उग्र होते हैं, क्यों बहस करते हैं, क्यों किसी को डराते हैं, धमकाते हैं। तो इन सब बातों को जब आप जान जाएंगे तो दूर करना भी सहज हो जाएगा। जो मानसिक कष्ट, परेशानी, अड़चने और बाधाएं उपस्थित होती हैं वे मात्र हमारे साथ ही नहीं वर अन्य सभी के साथ भी हो सकती हैं। ऐसे विचारों से आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं ही संसार में सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, बाकी सब अच्छे हैं, मेरी ही इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं या मेरी ही ये जरूरत पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन हम हमेशा अपनी परेशानी को ज़्यादा बड़ी मानते हैं और कष्ट उठाते हैं। तो इसलिए अपनी परेशानी को भी एक सामान्य परेशानी की तरह मानकर अगर आप चलते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है। संसार के सभी कार्यों को भगवान की इच्छा समझते हुए अपने को निमित्त मात्र समझना चाहिए तथा ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण की भावना को ही अपना रक्षक कवच समझना चाहिए। अगर आप परमात्मा को मानते हैं और उसको सब कुछ अर्पण कर देते हैं कि जो हो रहा है वो सब तेरी इच्छा है, स्वयं को केवल निमित्त मात्र कर्ता मानकर कि मैं तेरी ही इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ, इस तरह से अगर आप अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें तो यह आत्मसमर्पण एक रक्षा कवच का काम करेगा और आप तनाव से बच जाएंगे। हर अच्छी और बुरी घटना को आप स्वीकार करने लगेंगे और तनाव से मुक्त रहना सहज हो जाएगा।
मन के अधिक चंचल हो जाने पर तेज आवाज से अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए तथा भगवान का नाम लेकर ठंडा पानी पीना चाहिए अथवा उस स्थान से हटकर कहीं दूर चले जाना चाहिए। जब भी लगे कि क्रोध आ रहा है या कुछ तनाव हो रहा है तो किसी न किसी पुस्तक को, जो भी आपकी रुचि करो, चाहे वो फिर धर्मग्रंथ हो या कोई और पुस्तक हो, जिसमें भी आपकी रुचि हो उस पुस्तक को तेज आवाज से पढ़ें। तेज आवाज से पढ़ने से आपका तनाव तुरंत खत्म हो जाएगा। और ठंडा पानी पीना, ठंडा पानी भी आपके क्रोध को, आपके गुस्से को शांत कर देता है। और या फिर अगर आप ये कुछ नहीं कर सकते हैं उस समय पर, तो उस जगह से हट जाना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार घर में बहुत सारे कलह इसी वजह से हो जाते हैं कि हम लगातार डट का मुकाबला करते हैं और अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और तनाव बढ़ता चला जाता है। अगर हम पहली बात में ही उस जगह से हट जाएं, तो बात समाप्त हो जाती है, कुछ देर में मानसिक तनाव से बच जाते हैं। मानसिक विकार होने पर अपने अपने मन से उलझना नहीं चाहिए तथा मन को अपना गुलाम और आज्ञाकारी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, जो कि उसका वास्तविक स्वरूप है। हम हमेशा अपनी बातों से उलझे रहते हैं, एक ही बात पर बार बार प्रतिक्रियाएं करते हैं और प्रतिक्रियाएं ही तनाव का कारण होती हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाओं को रोकने का प्रयास करिए। ध्यान की हर साधना में हम अपनी प्रतिक्रियाओं को रोकते हैं, विचारों को नहीं रोकते। विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं। और जब हम प्रतिबंध लगाना में सफल होने लगते हैं तो मन हमारे बस में हो जाता है, और मन को बस में होने के बाद आप तनाव से बच जाते हैं। हमें अपने आप में आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान और आत्मबल हमेशा भरते रहना चाहिए। आत्मबल, जब तक हम अपने आप को मजबूत मानते हैं तब तक हम मजबूत होते हैं। जब तक हम जीत सकते हैं, जब तक अपने आप को जीता हुआ मानते हैं। अगर हम विचारों में हार जाते हैं तो भौतिकता में हार निश्चित हो जाती है। तो कभी भी अपने लिए नकारात्मक विचारों का प्रयोग ना करें, हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मकता में आगे बढ़ें। मनुष्य को मानसिक तनाव से बचने के लिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, उन्नति का अवसर सदैव रहता है। स्थिति बदलती रहती हैं और प्रत्येक स्थिति से निकलने का रास्ता भी निश्चित होता है। हो सकता है कि उस समय पर आपको वो रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन उस समय में शांति से विचार करने से या उस स्थिति को झेलने से आपके सामने रास्ता निश्चित रूप से आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे समय पर सब्र रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने आपको आपके दोस्त बताए हों तो उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि वही आपके सच्चे हितैषी होते हैं। अपने उन दोषों को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए और चिंता फिक्र न करें। हम हमेशा उन व्यक्तियों से दूर रहते हैं जो हमारी बुराई करते हैं, लेकिन बुराई करने वाले ही सही हितैषी होते हैं। वही आपके अंदर की कमियों को बताते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने आसपास जरूर रखना चाहिए जो आपकी कमी बता सकें, क्योंकि आपको अपनी कमी का पता चलेगा तभी आप उसको दूर करने के लिए प्रयासरत होंगे। लेकिन हम दूसरे के द्वारा बताई हुई कमी को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि अगर कोई एक कमी हमारे अंदर बताता है तो उल्टा चार कमियां हम उसके अंदर निकाल देते हैं और अपनी कमी को ध्यान नहीं देते और ना ही उसके लिए फिर कोई प्रयास करते हैं। तो हमें अपने सोचने के ढंग को भी थोड़ा बदलना है। हमें अपने विचारों को, अपने सामने वाले के विचारों को समझने की कोशिश करनी है। और जो भी दोस्त
या कमियां हमारे अंदर अगर महसूस होती हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करना है। मानसिक तनाव से बचने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि सत्य कभी भी नष्ट नहीं होता। यदि आप सत्य की राह पर हैं तो किसी भी परिस्थिति में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सत्य सत्य रहता है और हमेशा सफलता भी दिलाता है, लेकिन हम सत्य में अगर भटक जाते हैं तो वही भ्रम का कारण बन जाता है, वही तनाव का कारण बन जाता है। यदि आप सत्य की राह पर चल रहे हैं तो भटकने से बचना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। समय के साथ सब कुछ बदलता चला जाता है और हमेशा सत्य की ही जीत होती है। बिना कारण कभी भी मानसिक तनाव नहीं होता, यह ध्यान रखना चाहिए। यदि अगर तनाव हुआ है या यदि आपने क्रोध किया है तो कोई ना कोई कारण अवश्य है। अगर कहीं बेचैनी हो रही है, कुछ घबराहट हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर है। उस कारण को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। परिस्थितियों के साथ समझौता करना सीखिए, तभी मानसिक तनाव को नष्ट किया जा सकता है। बदलते वक्त में हम परिस्थितियों से मुकाबला करते हैं लेकिन उनसे समझौता नहीं करते। अगर हम परिस्थितियों से समझौता करने लगें तो हम मानसिक तनाव से बच जाएंगे, लेकिन हम समझौता करने की जगह उल्टा अपनी ही बातों को सर्वोपरि बनाने की कोशिश करते हैं। जो हम मानते हैं या जो हमारे संस्कार और मान्यताओं में है, वही बात हम दूसरे के ऊपर भी लागू करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से भी तनाव बना रहता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि परिस्थिति जैसी भी हो, उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना चाहिए। दूसरे व्यक्तियों के जीवन में प्रसन्नता तथा शांति लाने का प्रयास कीजिए। इससे आपको बहुत अधिक मानसिक सुख शांति का अनुभव होगा। अगर आप दूसरे के जीवन में शांति और आनंद लाने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में स्वयं आनंद और शांति आ जाएगी। हमें दूसरे को प्रसन्न रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार में जितने भी लोग हैं उनको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर परिवार के लोग खुश होने लगते हैं तो हमारे ऊपर अपने आप आनंद की वर्षा होने लगेगी। यदि आपको किसी प्रकार की चिंता होने लगे तो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए और किसी अच्छे विषय के बारे में सोचिए, क्योंकि एक ही विषय पर अधिक देर सोचते हैं तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है। कई बार कोई घटना घट जाती है और हम बार बार महीनों एक ही बात पर उसी बात पर पूरे दिन 24 घंटे विचार करते रहते हैं, जो मानसिक तनाव का कारण बन जाती है, मानसिक रोगों का कारण बन जाती है। तो अगर ऐसी कोई चिंता सामने आ भी जाए, सही हो या बुरी, ज़्यादा समय तक हमें किसी विषय पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि विषय को बदल देने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मन को दूसरे विषय में लगा देना चाहिए जिससे तनाव से आप बच जाएंगे। सहनशील तथा क्षमाशीलता की भावना अपने अंदर रखिए, इससे मानसिक तनाव नहीं रहता। सहनशीलता और क्षमाशीलता, अगर आप क्षमा करना जानते हैं और सहनशील भी हैं, सामने बातों वाले की बातों को सहन करने की भी आपके अंदर क्षमता है, तो आप सहज में मानसिक तनाव से बच सकते हैं। सदा हंसमुख रहने का प्रयास कीजिए। जब आप हंसमुख रहते हैं तो सामने वाले को भी तनाव मुक्त कर देते हैं। आपके चेहरे की हंसी आपको तो तनाव मुक्त करती ही है, लेकिन दूसरे को भी तनाव मुक्त कर देती है। इसलिए सदा हंसमुख बनने का प्रयास कीजिए। बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलने का आनंद लेने से भी मानसिक तनाव से बचा जा सकता है। बच्चों के साथ बच्चे बनकर रहें और उनके साथ बच्चों की तरह हरकतें करके देखें तो आपका तनाव कुछ ही सेकंडों में खत्म हो जाएगा। कुछ खेलों का आनंद लीजिए, क्योंकि खेलों से मानसिक तनाव दूर हो सकता है। जो भी खेल आपको पसंद हो
उन खेलों में दिन में एक बार दो बार जब भी समय मिले तो उनको खेलना चाहिए। खेल अपने अपने पसंद के होते हैं, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है, किसी को तैरना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को योग पसंद है, किसी को साधना पसंद है। तो जो भी आपकी पसंद की हॉबीज हैं, चाहे वो खेल हो या कोई भी हॉबी हो, उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। अच्छे पुस्तकों को पढ़ने का शौक रखना चाहिए, इसके फलस्वरूप मानसिक तनाव दूर हो जाता है। अच्छी पुस्तकें जो हेल्थ से संबंधित हों, ग्रंथ हमारे बहुत सारे जो धार्मिक प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत होती है, बहुत सारे सकारात्मक विचारों को पैदा करते हैं, ऐसे चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए। बहुत सारी सकारात्मकता को पैदा करने वाले पुस्तकें आज बाजार में हैं, उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। शांतिदायक तथा मधुर संगीत को सुनिए, इसके फलस्वरूप मानसिक तनाव दूर हो जाता है। यदि आपको गाने सुनना या कोई संगीत पसंद है तो उसको सुनिए। यदि मानसिक तनाव हो गया तो किसी कुर्सी पर बैठकर उसे झूले की तरह इस्तेमाल कीजिए और संगीत का आनंद लीजिए, इससे मानसिक तनाव जल्दी ही दूर हो जाता है। जब आप जितना सहज हो जाएंगे, जितना शरीर को ढीला छोड़ देंगे, उतना आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। तो एक कुर्सी पर बैठकर झूलना अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है, तनाव मुक्त छोड़ देना है। जितना शरीर ढीला होगा, सहज होगा, उतना ही हमारा मन भी सहज हो जाएगा। और हर साधना में आप सहज में इस बात को महसूस कर पा रहे हैं। सकारात्मक नजरिया रखने से मानसिक तनाव जल्दी ही दूर हो जाता है। सकारात्मकता हमेशा बनाए रखना चाहिए। मानसिक तनाव से पीड़ित व्यक्ति को सुबह के समय में प्रतिदिन खुली हवा में टहलना चाहिए। व्यायाम, प्राणायाम, योगासन, शवासन, ध्यान तथा योग आदि क्रियाएं करनी चाहिए। इन सभी क्रियाओं को करने से मानसिक तनाव दूर हो जाता है। अपनी खुशियों पर नियंत्रण रखें, ना कि दूसरों के हाथों में अपनी खुशियों को दें। यदि आप दूसरे की किसी भी बात से मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि आपकी खुशियों का नियंत्रण दूसरों के हाथों में है। ऐसा करने से मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ऐसा कार्य ना करें जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता हो। हम दूसरे की बात से खुश होते हैं या दूसरे की बातों से दुखी होते हैं तो निश्चित है कि हमने अपनी डोर दूसरे के हाथ में दे दी। अब जब दूसरे के हाथ में डोर दे दी तो वो जब चाहे तब आपको दुखी कर सकता है, जब चाहे तब खुश कर सकता है। तो अपनी डोर अपने हाथ में रखें और सामने वाले के विचारों का आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को लाना है। यदि कोई समस्या हो गई हो तो उसे दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि समस्याओं के समाधान को पाकर ही मानसिक तनाव से बचा जा सकता है। समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, उनको सहज दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आप उनको सहज में दूर कर देते हैं तो तनाव खत्म हो जाता है। कौन गलत है, कौन सही है, इसकी भी चिंता ना करें, बल्कि क्या गलत है और क्या सही है उस पर विचार करना चाहिए। सभी कार्यों को निर्धारित समय पर ही करें तथा निर्धारित समय पर ही उन कार्यों को पूरा करके ने से आप तनाव से बच जाते हैं। कई बार आज का कार्य कल कर लेंगे, कल के बाद परसों कर लेंगे, इस तरह से टालते रहने से बहुत सारा कार्य इकट्ठा हो जाता है और फिर मानसिक तनाव होता है। तो इसलिए सभी कार्यों को निर्धारित समय पर करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने कार्यों को पूरा कराने के लिए योग्य कर्मचारियों का चयन करें तथा कर्मचारियों के कार्यों को पूरा करने पर विश्वास रखें, तभी मानसिक तनाव से बचा जा सकता है। यदि आपके अंदर बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं तो उन पर विश्वास रखना चाहिए।
यदि हम उन पर शंका रखते हैं तो तनाव निश्चित है कि बढ़ेगा। तो विश्वास बहुत जरूरी है। एक ही समय में ज़्यादा कुछ करने की कोशिश ना करें, केवल उतना ही काम करें जितना कि उस समय आप पूरा कर सकते हैं। कई बार हम बहुत सारे कार्य को एक साथ ले लेते हैं और जब सारे कार्यों के बारे में विचार करते हैं तो फिर हमारा मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो इसलिए एक समय में एक ही कार्य को करने की कोशिश करें। कई बार होता क्या है कि ऑफिस का काम भी कर रहे होते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं और सामने टीवी भी देख रहे होते हैं। इतने में किसी का फ़ोन आ गया तो फ़ोन भी सुनने लगते हैं। अब इतने सारे काम चारों तरफ से एक साथ, आपका माइंड तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि एक समय में एक ही काम करें। तनाव पैदा करने वाले कारकों के मुताबिक अनुकूलित हो जाएं। तनाव पैदा करने वाले कारकों को स्वीकार कर लें। जब स्वीकार कर लेंगे तो आप उनको दूर भी कर सकते हैं। अनावश्यक तनाव से बचें और नहीं कहना सीखें। अपने सीमाओं को जानें और हमेशा उसका ध्यान रखें। व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन को आप क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेने से बचें। क्षमता से अधिक जिम्मेदारी उठाने से आप तनाव के शिकार हो सकते हैं। जिम्मेदारी उतनी ही लेनी चाहिए जितनी आप निभा सकें। अगर आप अपनी क्षमता से ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर उठाने लगेंगे तो तनाव निश्चित होगा और मानसिक रोग भी होंगे। ऐसे लोगों से बचें जिनसे आपको तनाव पैदा होता है। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में निरंतर रूप से तनाव पैदा कर रहा है और आप उस संबंध को सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ व्यतीत करने वाले समय में कमी कर दें या उस संबंध को खत्म भी कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ संबंध ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आपको पूरा जीवन निभाना है। उस स्थिति में आपको अपने तनाव को उन संबंधों को अपने अनुकूल ढाल लेने की कोशिश करनी चाहिए या अपनी परिस्थितियों को बदल लेने की कोशिश करनी चाहिए। उस माहौल में ढल जाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सामने वाला किसी बात को नहीं मानता है तो एक बार समझाएं, दो बार समझाएं, उसके बाद उसको उसके हाल पर छोड़ देना ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से आप संबंधों को लंबे समय तक निभाते चले जाते हैं और पूरा जीवन सहज में कट जाता है। अपने परिवेश को नियंत्रण में रखें। यदि शाम की खबरें आपको चिंतित कर जाती हैं तो आप शाम को टीवी बंद रखें। यदि ट्रैफिक से आप तनावग्रस्त होते हैं तो भले ही दूर वाली रास्ते का प्रयोग करें, भीड़ वाले रास्ते का प्रयोग ना करें। यदि आपको बाजार जाना अच्छा नहीं लगता है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। तो ऐसे भी बहुत सारे बदलाव करके हम तनाव से बच सकते हैं। यदि आप धर्म, जाति, राजनीति आदि की चर्चा पर परेशान हो जाते हैं तो उन पर बातचीत करने से बचें। यदि आप एक टॉपिक की हमेशा चर्चा उसी इंसान से करेंगे तो आप चर्चा करने से अपने आप को बचाएं और या उसे टाल जाएं। आपको क्या करना है इसकी सूची बनाएं। अपने कार्यक्रम, जिम्मेदारियां और दैनिक कार्यों का विश्लेषण करें। यदि बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं तो आप उनमें से करने लायक या जरूरी जो हो उसको छांट लें। जो कार्य जरूरी ना हो उन्हें आप हटा दें। तो इस तरह से सूची बनाकर भी आप तनाव से बच सकते हैं। अपनी भावनाओं को दबाने की जगह उसे व्यक्त करें। यदि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ आपको परेशान करती है तो आप उसके बारे में उस व्यक्ति से खुलकर सम्मानपूर्वक तरीके से बात करें। यदि आप अपनी भावनाओं का इजहार नहीं करेंगे तो आपके मन में असंतोष पैदा होगा और स्थिति जस की तस बनी रहेगी। तो हमें आपसी व्यवहार, आपसी बातचीत के द्वारा भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कभी भी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए और अगर भावनाएं दब जाती हैं तो आपको जो क्रिया बताई गई है
भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से उस भावनाओं को निकाल सकते हैं। समझौता करने की चाह रखें। यदि आप किसी व्यक्ति को उसका व्यवहार बदलने के लिए कहते हैं तो आप भी अपने आप में बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। यदि आप दोनों थोड़ा भी बदलाव ला सकें तो आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है। जब तक दोनों आपस में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक तनाव बना ही रहेगा। हम सोचते हैं सामने वाला ही बदले, हम ना बदलें, तो वो स्थिति तनाव को बढ़ा देती है। इसलिए समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ व्यवहार में वो बदलाव लाएं, कुछ आप लाएं, तो सहज हो जाता है जीवन। अधिक निश्चयात्मक बने, अपने जीवन के पिछले पायदान पर ना रहें। सामने जो भी समस्या है उसका डटकर और दक्षतापूर्वक मुकाबला करें। यदि आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं और आपका बातूनी दोस्त आपके यहाँ आ जाए तो आप ठान लें कि आपको उसके साथ केवल कुछ मिनटों ही बातचीत करनी है। तो ये सब आपके निश्चय पर निर्भर करता है। परिस्थितियों को बदलना आपके निश्चय के वश में है। आप जैसा चाहें वैसे परिस्थितियों को बदल सकते हैं। अपने समय का बेहतर प्रबंधन करें। समय का सही तरह से नियोजन न करने से तनाव पैदा हो सकता है। जब आपके पास समय कम पड़ रहा हो या आप समय के साथ पिछड़ रहे हों तो शांत और एकाग्र रहना नामुमकिन हो जाता है। पर यदि आप नियोजन के साथ चलेंगे तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और आप अपने तनाव को काफ़ी कम कर सकते हैं। इसलिए समय का बेहतर से बेहतर प्रबंधन करना चाहिए। क्या आज आपको ये करना है, कल ये करना है, या इस टाइम पर ये काम होना चाहिए, पूरे समय को आप प्रयोग करें और सहज तरीके से। समस्याओं को नए नज़रिए से देखिए। तनाव की परिस्थितियों को अधिक सकारात्मक नज़रिए से लें। किसी ट्रैफिक जाम पर गुस्सा होने के बजाय आप उसका इस्तेमाल विराम लेने के लिए कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि समस्याओं को एक नए नज़रिए से देखिए। तनावग्रस्त परिस्थितियों में सकारात्मक बन जाइए। यदि ट्रैफिक जाम है तो आप उसको आराम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को पुनः तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मिनट जो आपको रिलैक्सेशन के लिए मिल रहे हैं उसके लिए आप प्रयोग करें, ना कि उस पर तनावग्रस्त हों। इस प्रकार हम सकारात्मक बनकर बहुत सारी परिस्थितियों के तनावों से मुक्त हो सकते हैं। बड़ी तस्वीर पर नज़र डालें। तनावग्रस्त परिस्थितियों के नज़रिए से देखें। अपने आप से पूछें कि लंबे समय तक इसका रहना कितना अहम होगा। क्या ये एक महीने, एक साल तक चलेगा या एक लंबे वक्त तक चलेगा? क्या सचमुच इससे परेशान हुआ जा सकता है? यदि उत्तर नहीं होता है तो अपना ध्यान और ऊर्जा किसी अन्य जगह पर लगानी चाहिए। कई बार जो इससे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि एक ही बात को हम महीनों सोचते रहते हैं और वह रोगों का कारण बन जाती है। तो जब भी कोई ऐसी स्थिति आए तो आपको स्वयं के ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए कि आखिर कब तक चलेगा और क्या ये लंबे समय तक चलने के बाद आपको कुछ लाभ देगा। अपने मानदंडों को समायोजित करें। हर काम को पूरी दक्षता से करने से तनाव से बचा जा सकता है। महज दक्षता की मांग की वजह से आप अपने आप को असफलता के हवाले ना कर दें। अपने तथा अन्य व्यक्तियों के लिए उचित मानदंड तय करें और पर्याप्त गहराई के साथ काम करने की आदत डालना सीख लें। हमें प्रत्येक कार्य को पूरी दक्षता से करने की कोशिश करनी चाहिए और केवल मांग या डिमांड के ऊपर ही पूरा प्रेशर नहीं देना चाहिए। कई बार
हमारी क्षमता से ज़्यादा डिमांड सामने आ जाए तो हमें उसको सहज होकर पूरा करना चाहिए, ना कि उसको प्रेशर के साथ। सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करें। तनाव, जब आप तनाव के गैप में आ रहे हों तो आप उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जिनकी आप अपने जीवन में तारीफ करते हैं, जिनमें आपके सकारात्मक गुण और ईश्वर के दिए हुए तोहफे भी शामिल हैं। जब हम तनावग्रस्त होते हैं या दुख में होते हैं तो कुछ अच्छी बातों को याद करना चाहिए। उन अच्छी बातों से आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, सकारात्मक होना शुरू हो जाते हैं और आपके अंदर तुरंत कुछ ऐसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं जिससे तनाव खत्म हो जाता है। तनाव के कुछ स्रोत अनिवार्य होते हैं, ऐसे कारकों से आप बच नहीं सकते या आप उन्हें बदल भी नहीं सकते। जैसे किसी परिजन की मृत्यु, कोई गंभीर बीमारी या कोई राष्ट्रीय मंदी, ऐसी स्थिति में उपजे तनाव से उबरने का सबसे अच्छा तरीका है कि चीज़ों को उसी रूप में स्वीकार कर लेना। भले ही स्वीकार करना कठिन होगा पर दीर्घकालिक रूप से उस परिस्थिति के विरोध में खड़ा होना जिसे आप बदल नहीं सकते, उसके मुकाबले करना ये अधिक दंड देना या फिर अधिक कष्टदायक होगा। इसलिए हमें ऐसी स्थितियों से मुकाबला नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है उसको दृष्टा या साक्षी भाव से देखने की कोशिश करनी चाहिए और जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो कल सबको होनी है। अब किसी परिजन की मृत्यु हो गई और हम उसी को तनाव का कारण बना लेते हैं जो कि एक सत्य है, तो हम उसको बदल नहीं सकते, तो उसको स्वीकार कर लें। स्वीकार करने से बहुत सारे तनावों से बचा जा सकता है। नियंत्रण ना हो सकने वाली चीज़ों पर नियंत्रण करने का प्रयास ना करें। जीवन में कई चीज़ें नियंत्रण से बाहर होती हैं, खासकर अन्य लोगों के व्यवहार। उनसे परेशान होकर तनाव लेने से बेहतर होगा कि आप ऐसी चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप अपने नियंत्रण में ला सकते हैं, जैसे कि ऐसा तरीका जैसे आप समस्याओं से निपटने के लिए चुनते हैं। सदैव आगे की ओर देखें। कहते हैं जो हमें मार नहीं सकता वह हमें मजबूत बना देता है। बड़ी चुनौतियों से मुकाबला करते समय आप उन्हें अपने निजी अनुभव के एक मौके के रूप में देखें। यदि आपका गलत चयन आपको तनाव का शिकार बना डालता है तो आप उन पर विचार करें और अपनी गलतियों से सीखें। अपनी भावनाओं को बांटें। भरोसेमंद लोगों से बात करें या किसी थेरेपिस्ट से परामर्श भी प्राप्त करें। यदि आपकी भावनाओं को दूसरों को बताते हैं तो भले ही आप उसे बदल ना सकें पर इससे आप हल्का महसूस जरूर करते हैं। कहा जाता है कि बांटने से दुख कम हो जाता है। अगर आप अपने दुख को दूसरे से कह देते हैं तो वो कुछ कम हल्के हो जाते हैं। आप बदल नहीं सकते लेकिन फिर भी आपको हल्कापन महसूस होता है, आप सहज हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी भावनाओं को, अपने दुखों को, अपने कष्टों को, तनाव के कारणों को बांटना जरूर चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसे भरोसेमंद साथी सबके पास होते हैं जो अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, तो वो शेयर जरूर करनी चाहिए। माफ़ करना सीखें। इस तथ्य को स्वीकार करें कि हम एक अधूरी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग बार बार गलतियां करते हैं। क्रोध और नाराजगी को मन से बाहर निकालें। दूसरों को माफ़ कर आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होते हैं और जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आपके अंदर उसकी गलतियों का बार बार विचार नहीं आता। इसलिए लोगों को माफ़ करना जरूर सीखें। क्षमाशील बनना आपको तनाव मुक्त बना देता है। यदि आप नियमित रूप से मस्ती और आराम के लिए समय निकालते रहेंगे तो आप तनाव के कारणों से बखूबी निपट सकते हैं। सैर पर जाएं,
प्रकृति के साथ वक्त बिताएं, किसी अच्छे दोस्त को कॉल करें, अच्छे व्यायाम के साथ तनाव से मुक्ति पाएं। अपनी विवरणी का डायरी में तनाव के बारे में दर्ज करें। लंबे समय तक स्नान करें, सुगंधित धूपबत्ती जलाएं, गर्मा गर्म कॉफ़ी या चाय पिएं, अपने पालतू जानवरों के साथ खेलें, अपने बगीचे की बागवानी करें, मालिश कराएं, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, संगीत का आनंद लें, कॉमेडी फिल्म देखें, विश्राम करने का वक्त निकालें। तो इस तरह से आप अपने जीवन से तनाव को मुक्त हो सकते हैं। तनाव जब ही होता है जब हम अपने समय का सही प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए कुछ ना कुछ समय जो आपको अच्छा लगता है उस अच्छे के लिए निकालें। उसमें कुछ भी कार्य हो सकता है, विश्राम आवश्यक है। तो जिस समय विश्राम का समय हो उस समय विश्राम जरूर करना चाहिए। जबरदस्ती शरीर को लगातार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब आप विश्राम करेंगे तो आप नई ऊर्जा से भर जाएंगे और वह ऊर्जा आपको आगे आनंदित कर देगी। दूसरों के साथ जुड़िए, सकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों के साथ वक्त गुजारिए, जिससे आपको जीवन में नई ऊर्जा मिलेगी। तनाव के नकारात्मक प्रभावों से मुकाबला करने की आप में मजबूती आएगी। जब हम सकारात्मक व्यक्तियों के साथ वक्त गुजारते हैं तो स्वयं भी सकारात्मक हो जाते हैं। कहते हैं कि जिसके साथ भी रहोगे कुछ ना कुछ गुण उसके जरूर आ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताया जाए, जिससे सकारात्मकता बढ़ती जाए। हर दिन देने वाला कोई ना कोई काम करें। हर दिन ऐसे क्रियाकलापों के लिए समय निकालें जिससे आपको आनंद मिलता है, चाहे फिर वो तारों का देखना, पियानो का बजाना, बाइक का चलाना, तैरना, घूमना या कोई भी मनोरंजन का कार्यक्रम करना, देखना। इस तरह से भी आप अपने तनाव को कम करते हैं। अपने हास्य बोध को बनाए रखें, इसमें आप अपने आप पर हंसना भी शामिल कर सकते हैं। हंसने से भी तनाव मुक्ति मिलती है। हास्यासन जरूर करना चाहिए। आपको हंसी आ रही हो ना आ रही हो, फिर भी खुल के हंसने की कोशिश करनी चाहिए और बनावटी हंसी धीरे धीरे रियल हंसी में बदल जाएगी और आपको तनाव मुक्त कर देगी। जीवन जीने के स्वस्थ तरीके, खान पान में सुधार करें, विटामिन बी मैग्नीशियम का सेवन जरूर करें और अधिक से अधिक जीवित आहार का सेवन करें। विटामिन सी और डी आपकी क्षमता को बढ़ाता है, खासकर आपके हड्डियों को मजबूत करता है। खनिज तत्वों का प्रयोग जरूर करें, ये आपके स्वास्थ्य, शरीर और मस्तिष्क के लिए जरूरी होते हैं। इस प्रकार ये तनाव के शिकार होने से भी बचाने में आपकी मदद करते हैं। अपने मौजूदा आहार का मूल्यांकन करें और जहां आपको सुधार नजर आता है उस पर विचार करें। पैक किए आहार, डिब्बाबंद आहार, अत्यधिक नमक, गोलियाँ और टेबलेट आदि से परहेज करें। विषैले पदार्थों के सेवन से बचें। स्पष्ट रूप से तंबाकू, शराब भले ही आप स्थायी रूप से राहत प्रदान करते हों पर शरीर के संतुलन के खिलाफ कार्य करते हैं और इससे आपके तनाव के शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करें, खासकर तब जब आपको तनाव महसूस हो। व्यायाम से आपके शरीर का एडिनिन समाप्त हो जाता है और सहायक रसायनों का निर्माण होता है जिससे आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं। व्यायाम आपको तनाव की परिस्थितियों से हटा देता है। व्यायाम से आपकी मांसपेशियां और ऊतकों में गर्मी आती है, शरीर सर्दी में इससे आराम मिलता है और इससे तनाव से राहत मिलती है। व्यायाम करने से मस्तिष्क की और रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है तथा पूरे शरीर के लिए लाभकारी होता है। व्यायाम से हमारे शरीर का विकास होता है तथा स्वस्थ रहता है, जिसके प्रत्यक्ष रूप से तनाव के शिकार होने से हम बच जाते हैं। अपने मूड और भावनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाएं।
तनाव के अधिक गंभीर स्थिति में पहुंचने से पहले ही उससे मुकाबला करने का ध्यान रखें। व्यायाम करने के तरीके की खोज करें, जैसे योग, ध्यान, सेल्फ हिप्नोसिस, मालिश, खुली हवा में सांस लेना और भी अन्य बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं जो आपको फायदा पहुंचाते हैं, जो आप अपनी सुविधा के अनुसार, जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं। नींद और आराम एक स्वस्थ संतुलित जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। दिन के समय झपकी लेना महत्वपूर्ण माना जाता है, पर इससे आप शरीर भी ऊर्जा से भर जाता है और आपके दिमाग से दबाव और अप्रिय एहसास खत्म हो जाते हैं। कार्यस्थल पर गुस्सा आना तनाव का लक्षण होता है। गुस्सा तथा उस विषय के लिए किसी अन्य भावनात्मक व्यवहार, वे उस तनाव को नियंत्रित करें। व्यवहार को, गुस्से को और जो आपके अंदर भावना पैदा हो रही हैं उनको नियंत्रित में रखें। जिससे आपको गुस्सा आता हो उसमें तभी सुधार लाया जा सकता है यदि आप में चाहत, स्वीकार करने की भावना, प्रज्ञान और समर्पण हो। जागरूकता पहली शर्त है। कुछ गुस्सैल व्यक्ति अपने गुस्से पर गर्व का अनुभव करते हैं और कभी बदलना नहीं चाहते, तो कुछ अपने आप पर और दूसरों पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। गुस्से पर नियंत्रण करना केवल तभी संभव होता है जब गुस्सैल व्यक्ति बदलाव के लिए स्वीकार हो और उसके लिए समर्पित रहे। मूल कारण को समझने के लिए परामर्श आवश्यक होता है। व्यक्ति को अपने गुस्से से दूसरे पर होने वाले परिणाम को वास्तुनिष्ठ रूप से और संवेदन नजरिए से देखना चाहिए। गुस्सैल व्यक्ति को यह एहसास दिलाकर कि उनका व्यवहार विनाशक और नकारात्मक है, आप इस दिशा में एक अहम कदम बढ़ाएंगे। व्यक्ति को अपने अंदर से चीज़ों को खुद निकलने दें। गुस्से पर नियंत्रण की दिशा में अगला कदम है गुस्सैल की प्रवृत्ति के कारणों को समझना, जो तनाव के कारण और तनाव की संभावना वाली परिस्थितियों का एक संयोजन होता है। तो जब हम समझ जाते हैं कि गुस्सा क्यों आ रहा है, उसका कारण क्या है, तो हम उस कारण को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि गुस्सा करने की। इस तरह से आप इन उपायों को अपनाकर तनाव मुक्त रह सकते हैं। व्यक्ति में पर्याप्त भरोसा तथा तालमेल जगाने के लिए परामर्शदाता को कई सत्र आयोजित करने की जरूरत पड़ सकती है। आप एक तनावग्रस्त जीवन जीने से बच सकते हैं। आपको जरूरत है तो एक अच्छे मनोचिकित्सक की, जो आपको केवल नींद की दवा न देकर आपको समझने का प्रयास करें एवं आपकी वास्तविक स्थिति को समझकर उनके अनुरूप ही आपकी चिकित्सा करें। वैकल्पिक चिकित्सा मानसिक तनाव, अनिंदा, कुंठा, अवसाद, गर्भार, डर, कोप तथा भावनात्मक बीमारियों के लिए बेहतर विकल्प है। जरूरत है समझने की। नींद की गोलियां दिमागी बीमारियों को दूर नहीं करती हैं, बल्कि उसे बढ़ाती हैं और जो धीरे धीरे आपको अंदर अंदर खा जाती हैं। इसलिए तनाव के समय पर, डिप्रेशन के समय पर नींद की गोलियों से बचना चाहिए और तनाव मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए। तनाव के कारणों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ वैकल्पिक चिकित्साओं का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ध्यान, ये सारी चिकित्साएं आती हैं जिनमें किसी दवाइयों का प्रयोग नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, आगे अभ्यास करेंगे। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना वे जानना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।